दिस इज एसन्स फैमिली. एसन्स लिव विद हिज मदर फादर सिस्टर बेबी ब्रदर. ओके एसन्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद हिम. हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर लव हिम अलॉट. ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, जिस जिसके भी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हैं उन्होंने मुझे होमवर्क भेजना है, मुझे बताना है कि आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, क्या बताएंगे मुझे? आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. जैसे दिस इज़ एसन्स फैमिली है ना, आपने इधर अपना नाम, दिस इज़ अपना नाम करना है. जैसे दिस इज़ जैद्स फैमिली, ठीक है, जैद का नेम है ना. तो जैद ऑल्सो लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, तो आप लोगों ने दिस इज़ माई फैमिली, माई की जगह अपना नेम लगा लें. एंड आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई ऑल्सो लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई ऑल्सो लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, तो आप लोगों ने ये सेंटेंस, दिस इज़ माई फैमिली, आई लिव विद माई मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स. आई लिव विद माई मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दिस इज़ माई फैमिली. ओके, ये सेंटेंसेस आप लोगों ने बोलने भी हैं, पढ़ने भी हैं. ठीक है, जो जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, मुझे ये होमवर्क आप लोग देंगे, ये सेंटेंस आप लोग सुनाएंगे भी और लिखेंगे भी.